हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल ब्यूटी सीक्रेट। मैं आपको आज एक ऐसा फेस मास्क बताने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आएगा, क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है कि हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल और ड्राई हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको एक फेस मास्क बताऊँगी जो हमारी स्किन पे ग्लो तो लेके आएगा ही, साथ में हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ों से ही आपको ये मास्क बनाना बताऊँगी, बट ये दोनों ही चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ, सबसे पहले हम इसमें एक चम्मच हनी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर पतंजलि का हनी ले रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। हनी से हमारे स्किन पे जो ड्राइनेस होती है उसे वो परमानेंटली फिनिश करता है। विंटर में क्या होता है कि जब हम हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है, तो जो हम कोल्ड क्रीम यूज करते हैं वो हमारी स्किन से ड्राइनेस को बस कुछ ही पल के लिए दूर कर पाती है, फिर हमारी स्किन वैसी की वैसी ही हो जाती है। तो हनी हमारी स्किन को परमानेंटली सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब हम इसमें दूसरी चीज़ ऐड करने वाले हैं, वो है विटामिन ई कैप्सूल। मैं यहाँ पे एक विटामिन ई का कैप्सूल लूँगी। हमें क्या करना है कि उसका एक कैप्सूल लेना है और उसे नीडल से प्रिक करके सारा ऑयल इसमें ऐड कर देना है। हमें सिर्फ एक ही विटामिन ई का ऑयल डालना है। देखिए, मैं इसको अच्छे से ऐड कर लूँगी। इसको डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। विंटर में हमारी स्किन ड्राई होने के कारण हमारी स्किन पे रिंकल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, फाइव लाइंस की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी स्किन लूज हो जाती है। तो इसलिए विंटर में हमें विटामिन ई ऑयल का यूज अपने फेस पे, अपने स्किन पे करना चाहिए। विटामिन ई में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। यह विटामिन ई यूज करने से हमारे स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, साथ में हमारी स्किन को टाइट भी करता है। तो हमें ये विंटर में ज़रूर यूज करना चाहिए अपने फेस पे, अपने स्किन पे। आप इस फेस मास्क को अपने फेस पे ही नहीं, अपने हैंड पे भी यूज कर सकते हैं, हैंड को भी सॉफ्ट बना सकते हैं। आप इसे विंटर में ही नहीं, समर में भी यूज कर सकते हैं। आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने के लिए वीक में दो बार यूज करना है। आप इसको रेगुलर यूज करेंगे तो आपकी स्किन को ये टाइटन ब्राइटन बनाएगा, साथ में आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाएगा और आपके फेस पर बहुत ही अच्छा ग्लो भी आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय।